लेकिन ये बताइए अविनाश, हम देख रहे हैं पिछले तीन दिनों से भारतीय बाजार ने जिस तरह से आउट परफॉर्मेंस दिखाया है उसका बड़ा श्रेय FIIs के बाय फिगर्स को भी जाता है। आज भी आप एक्सपेक्ट करेंगे FIIs की तरफ से एक अच्छी खरीदारी होती हुई हुई हो? आई थिंक ऐसा ही लग रहा है। इनफैक्ट हेमंत, मुझे लग रहा है कि कल की ट्रेंड में हमने देखा था कि लोकल इंस्टीट्यूशंस ने थोड़ा कम क्वांटिटी खरीदी थी। मेरे ख्याल से आज भी अच्छा नंबर आना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से आज जो ऑप्टिक आया है 8600 के ऊपर और जो फ्रंटलाइन काउंटर्स में हमने एक्शन देखी है, मुझे लग रहा है यहाँ पे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि FIIs की पार्टिसिपेशन होगी। तो आज भी शायद पॉजिटिव नंबर के साथ ही मार्केट्स को शायद यू नो कम्फर्ट मिले कि आज भी एक बड़ा FII का नंबर आए। ऑलराइट, चलिए, 3.25 लाख करोड़ के वॉल्यूम्स आज भारतीय बाजार में हुए और खरीदारी हुई है, डेज हाई के आसपास क्लोजिंग हुई है, तो इससे अच्छी शानदार क्लोजिंग शायद आज हो नहीं सकती, लेकिन वक्त है आप दोनों विशेषज्ञों से विदा लेने का। अविनाश जय, आप दोनों का शुक्रिया समय निकालने के लिए और आज इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। आइए अब देख लेते